नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 187 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि एपिसोड नंबर 183 से ही अशोक सम्राट की श्रृंखला चल रही है और आज अशोक सम्राट सीरीज का यह 5वां पार्ट है। तो अशोक सम्राट की कहानी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आप अशोक सम्राट, वह अशोक सम्राट जो बिहार में पहली बार 1147 लेकर आया और इसके बाद वह बिहार के सारे माफिया डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन का बाप बन गया, उसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 183 से लेकर 186 भी जरूर देखना चाहिए। आगे और एपिसोड्स आएंगे ही। तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं, बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं। यदि आप खबरों के पीछे के नियमित दर्शक हैं तो अशोक सम्राट के उदय के बारे में आपको पता चल गया है, कैसे वो मुजफ्फरपुर आया, किन परिस्थितियों में बेगूसराय छोड़ना पड़ा था, मुजफ्फरपुर में जिनके साथ मिनी नरेश के साथ रहा, मिनी नरेश की हत्या कैसे हुई, फिर मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने को उसने जनवरी 1990 में कैसे 1147 से चंदेश्वर सिंह की हत्या मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर कर दी। यह भी आपको हमने बताया कि महंत राम लगन दास जो मिनी नरेश की हत्या में शामिल था उसे अशोक सम्राट ने कैसे उठाया, लेकिन महंत राम लगन दास से अशोक सम्राट ने पहले अपने बचपन के दोस्त जो बाद में दुश्मन बन गया था रामविलास चौधरी की हत्या कराई। अब राम लगन दास अशोक सम्राट के साथ था। तो आज की कहानी हम बताएं इसके पहले एक भूल सुधार है। देखिए ये जो कहानी है 31 ईयर्स ओल्ड है। कुछ बातें भूल भी जाते हैं और कुछ बातें जो तथ्य हैं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब बात सामने आती है तो मुझे लगा कि नहीं, संशोधन जरूर होना चाहिए। देखिए आपको हमने अशोक सम्राट श्रृंखला के पार्ट 2 में, मतलब एपिसोड नंबर 184 में यह बताया था कि चंदेश्वर सिंह के मारे जाने के पहले चंदेश्वर सिंह को मारने के लिए चंदेश्वर सिंह के बेटे के तिलक के दिन हमला हुआ था और इस गोलीबारी में अशोक सम्राट व मिनी नरेश ने चंदेश्वर सिंह के बेटे की हत्या कर दी थी। देखिए जब हम रिसर्च में और गए, कई हमारे सुधी दर्शकों ने इधर ध्यान भी आकृष्ट कराया तो इसमें संशोधन है। देखिए चंदेश्वर सिंह के बेटे की हत्या नहीं हुई थी। चंदेश्वर सिंह का बेटा पंकज सिंह लंबे अरसे तक जीवित रहे पिता की हत्या के बाद भी। तो तिलक वाली बात गलत है कि बेटे की हत्या हो गई। हाँ, तिलक वाली बात इस मायने में सही है कि चंदेश्वर सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस दिन ही तिलक आया हुआ था बेटे का, और हत्या के दिन अशोक सम्राट ने मिनी नरेश का बदला लेने को दूसरी बार प्रयास किया था। छाता चौक, यह भी सही है कि हत्या छाता चौक पर हुई, यह भी सही है कि 1147 से हुई, कई लोग 1174 की भी बात कर लेते हैं, और यह भी बताते हैं कि तब जो अशोक सम्राट के पास 1147 और 1174 आया था वह ओरिजिनल रशियन वर्सन था, चाइनीज नहीं था। तो बाद में चाइनीज भी आने लगा, मतलब चाइना ने भी बनाना शुरू किया। तो ये कहा गया कि हत्या के दिन दूसरे प्रयास में चंदेश्वर सिंह को मारा गया था। तिलक बेटा का था, चंदेश्वर सिंह को घर पर ही रहना था और चंदेश्वर सिंह को अपनी ताकत पर भरोसा तो था ही, और इस बात का अंदेशा कहाँ था कि घर में आकर कोई मार देगा। तो अशोक सम्राट पहले स्टेनगन लेकर चंदेश्वर सिंह के ठिकाने पर गया था, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टेनगन बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया होगा या उसे इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, तो स्टेनगन चला नहीं, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी अशोक सम्राट के आने का या अशोक सम्राट के स्टेनगन की ओर। तो अशोक सम्राट मुजफ्फरपुर में वहाँ फिर से पहुँचा जहाँ उसके हथियार रखे होते थे।
वहां से इस बार उसने AK-47 उठाया। तब तक शाम हो चुकी थी और कहा यह जाता है कि जब अशोक सम्राट वहां पहुंचा चंदेश्वर सिंह के घर पर, तो चंदेश्वर सिंह घर में जो तिलक का सामान आया हुआ था उसकी अनलोडिंग करा रहे थे और इसी बीच अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल कराई नहीं गई थी, बिजली गुल हो गई। जब कहते हैं मौत करीब आती है तो बहाने कई हो जाते हैं। इस बिजली गुल होने में चंदेश्वर सिंह दिखाई भी नहीं पड़े, अशोक सम्राट मौके की ताक में था। तो चंदेश्वर सिंह की एक लत थी, वे सिगरेट बहुत पीते थे, तो उस अंधेरे में उन्होंने सिगरेट जला ली और जैसे ही सिगरेट जला ली अशोक सम्राट उस अंधेरे में उनके करीब पहुंच गया और फिर AK-47 या AK-74 उसकी पूरी मैगजीन खाली कर दी, 40 गोलियां लगी थी, इसके बाद वह भाग गया। तो देखिए यह भूल सुधार था। अब आगे यदि हम इस प्रसंग में ही और बात कर लें तो अशोक सम्राट ने मिनी नरेश की हत्या में बाकी जो और भी लोग थे उनकी पहचान कर ली थी। चंदेश्वर सिंह तो थे ही, जिनके इशारे पर, जिनकी सहमति से सब कुछ हुआ। और इसमें जो महंत राम लगन दास था, बेगूसराय के बहादुरपुर मठ का महंत, वह अब अशोक सम्राट के साथ इसलिए हो गया था क्योंकि उसने कहा था कि हम आपके पुराने दुश्मन की हत्या करा देंगे, हत्या करा भी दी। लेकिन यह मालूम हुआ कि जो अयोध्या से नागा साधु आए थे उनमें जो दो सबसे कारगर था, जिसने बम चलाया था मिनी नरेश पर, उसका नाम था मनोज दास और शंकर दास, ये दोनों नागा साधु थे। तो मनोज दास और शंकर दास को भी बाद में ठिकाना लगा दिया गया या ठिकाना लग गए दोनों, मतलब दोनों मौत को प्राप्त हो गए। यह भी जानकारी मिली कि मिनी नरेश के साथ एक गद्दारी भी हुई। मिनी नरेश के ही एक खास थे राज किशोर सिंह, जो बेगूसराय के सदानंदपुर गांव के रहने वाले थे। कहने वाले यह भी कहते हैं कि राज किशोर सिंह की पत्नी को SKMCH में नर्स की नौकरी भी मिनी नरेश ने ही लगवाई थी। तो राज किशोर सिंह ने आखिरी वक्त में मिनी नरेश के साथ गद्दारी कर दी थी, चंदेश्वर सिंह और महंत राम लगन दास के साथ हो गए थे। तो राज किशोर सिंह की हत्या भी आज से कोई 20 साल पहले, मतलब अशोक सम्राट की मुठभेड़ के बाद हुई, और कहा जाता है कि इसमें मिनी नरेश के जो भाई लोग बचे हुए थे उन्हें नामजद किया गया था। आपको यह तो पता ही है कि मिनी नरेश भी मूल रूप से बेगूसराय का ही रहने वाला था। खैर चलिए, हमने आपको एपिसोड 186 में कहा था कि यह बताएंगे आज कि मोकामा की लड़ाई में अशोक सम्राट कैसे फंसा और फिर सूरजभान सिंह से अदावत कैसे हुई, सूरजभान सिंह को गोली कैसे लगी और सूरजभान सिंह की जान कैसे बच गई, यह भी बताना था। तो इसी कहानी पर आते हैं। तो देखिए ऐसा है, यदि हम पुरानी बातों में जाते हैं जो अनरबल का इतिहास रखते हैं, मुझे भी बहुत सारी बातें याद हैं, मैं कई चीज़ों को फिर से पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मालूम ये होता है कि ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत से ही सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट में कोई झंझट था, बिल्कुल नहीं था। यदि आप मोकामा के बारे में जानेंगे, आपको पता है कि मोकामा में सूरजभान सिंह का घर शंकरवार टोला में है, कई कहानियों में हम बता चुके हैं। तो सूरजभान सिंह के परिवार में, सूरजभान सिंह के पहले भी जो असली रंगबाज थे उनका नाम था मोती सिंह, जो सूरजभान सिंह के कजिन ब्रदर, चचेरे भाई हुआ करते थे, बड़े चचेरे भाई। और अशोक सम्राट जब फरारी जीवन काटने लगा तो अशोक सम्राट का आना जाना मोकामा भी था, फरारी जीवन मोकामा में भी कटता था। और मोती सिंह के पास, सूरज सिंह के पास, सूरजभान सिंह तब सूरज सिंह ही थे, इनके यहां आना जाना अशोक सम्राट का प्रारंभ हुआ। और दोस्ती ऐसी थी, या यूं कहें कि उस जमाने में, कि अपराध में नाम ना आए, अपराध हो भी जाए, एक फैशन था। और इस मॉडस अप्रेंडी को भी समझिए जो बड़े अपराधी थे, कि वे अपराध को प्लान करते थे,
अपराध में शामिल होते थे, फिर भी केस मुकदमे में बच जाते थे। ट्रायल में तो अपराध सिद्धि नहीं होता था, तो कैसे नहीं होता था? प्रचलन यह था कि जिसे अटैक करना है या जिसे मर्डर करना है, उसे तो पता ही है कि हम क्या करने जा रहे हैं या हमारे लोग क्या करने जा रहे हैं। यह वह जमाना था जब पुलिस भी प्रत्येक अपराधी की तस्वीर रखना नहीं जानती थी। अशोक सम्राट की तस्वीर तो थी ही नहीं, तो मोकामा में सूरज सिंह और तमाम लोगों से अशोक सम्राट के रिश्ते हो गए थे। तो ये लोग क्या क्या करते थे कि जब किसी अपराध को प्लान किया तो ये लोग ट्रेन में, रेलगाड़ियों में सवार हो जाते थे और कोशिश ये करते थे कि बीच रास्ते में बिना टिकट सवार होते थे कि बीच रास्ते में जो टिकट कलेक्टर है या टिकट चेकर, जो भी आप कहना चाहते हैं, टीसी है, वह इन्हें पकड़ ले बिना टिकट। और जब बिना टिकट पकड़ा जाएंगे, जुर्माना तुरंत नहीं भरेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और तब तक नहीं छूटेंगे जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाएगी। तो मॉडस ऑपरेंडी ये हो गया था कि ये लोग ट्रेन में बिना टिकट सवार होते थे गिरफ्तारी के लिए, कभी सही नाम से गिरफ्तारी के लिए और कभी गलत नाम से गिरफ्तारी के लिए। जब गिरफ्तार हो गए सही या गलत नाम से, उधर क्राइम हो गया, चाहे वो जिस शक्ल का क्राइम हो, चाहे जितना बड़ा छोटा हो, और यदि उसमें नाम पड़ा तो बाद में इसी बात को प्रमाणित कर दिया जाता था, जब अपराध की घटना प्रतिवेदित हुई है तो ये तो बिना टिकट पकड़े जाने के बाद रेलवे मजिस्ट्रेट की कस्टडी में थे। तो जब न्यायिक हिरासत में थे, नाम असली फर्जी जो भी बनाया गया, तो फिर मौका है वारदात पर इनकी मौजूदगी सही नहीं है। और इस तरीके से ये सारे लोग होलसेल में कोर्ट से बेल ले लेते थे, अग्रिम जमानत भी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी अपराध को प्लान कर लिया गया, तब सब एक ही थे और जिन्हें अपराध में शामिल होना था या जिनके नाम से गिरफ्तार होना था, वे लोग बरौनी से ट्रेन पर सवार हुए, फरक्का तक चले गए। रास्ते में दो बार टिकट कलेक्टर भी आया, यह भी जान गया कि इनके पास टिकट नहीं है, फिर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने के बाद कोई जमानत लेने में वक्त तो लगता नहीं था, बस जुर्माना दीजिए और छूट जाइए। तो जुर्माना देने में तब तक का समय लिया जाता था जब तक अपराध प्रतिवेदित हो जाए। तो खैर, तो हुआ ये कि मोकामा में अशोक सम्राट की फरारी कटने लगी। शंकरवार टोला में एक और अपराधी, जो सूरजभान सिंह से भी सीनियर कहा जाएगा, जिसका नाम था नाटा सिंह, असली नाम रमेश सिंह। तो शंकरवार टोला में नाटा सिंह और सूरजभान सिंह के बीच मेल नहीं बैठता था, या यूं कहें कि मोती सिंह और नाटा सिंह के बीच ही मेल नहीं बैठता था। दोनों एक ही मोहल्ले के और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन। तो अशोक सम्राट जब आना शुरू हुआ शंकरवार टोला में, तो इसके संबंध मोती सिंह और छोटे सूरज सिंह, जो बाद में सूरजभान सिंह बन गए, के साथ साथ नाटा सिंह से भी इस्टेब्लिश हो गया। मतलब अशोक सम्राट दोनों ओर, और बाद में अशोक सम्राट की यारी, या यूं कहें कि अशोक सम्राट का संबंध ज्यादा मजबूत हो गया नाटा सिंह, मतलब रमेश सिंह के साथ, मतलब सूरजभान सिंह के दुश्मन के साथ। तो ये जो नाटा सिंह से संबंध बना, फिर नाटा सिंह ने अशोक सम्राट की मदद से मोती सिंह, सूरज सिंह के बड़े चचेरे भाई, सबसे पहले रंगबाज, उनकी हत्या करा दी। इस हत्या से सूरजभान सिंह का तिलमिला जाना स्वाभाविक था। फिर मोती सिंह के जो दूसरे मित्र थे बहुत खास, नरेश सिंह, उनकी भी हत्या हो गई थी। तो ये नाटा सिंह और भारी पड़ गया, क्योंकि अब अशोक सम्राट उसके साथ था। मोकामा ने इसके पहले भी एक और बड़ी हत्या देखी थी, वह हत्या थी पांडव घर के महेश सिंह की। महेश सिंह सुबह सुबह घर के बाहर ही दातून कर रहे थे, मतलब
दातून यदि आप नहीं समझते हो तो ब्रश कर रहे थे, तो दातून कर रहे थे तभी बम मारने वाले अपराधी आए और बम इस कदर मारा, बम इतना ज़्यादा प्रभावशाली था या यूं कहें कि इतना विस्फोटक था कि बम महेश सिंह के भेजे में लगी और शरीर के चिथड़े या यूं कहें कि जो चिथड़े उड़े वो बिजली के पोल पर ऊपर तक जाकर लटक गए थे। तो महेश सिंह की हत्या हुई थी। महेश सिंह की हत्या में बाहर कनेक्शन आया था सामने कि बाहर से लोग आए, इसमें कुछ हमलावर जो आए थे वो आदिवासी की तरह दिखते थे। तो मोती सिंह और नरेश सिंह की हत्या के बाद अशोक सम्राट से सूरज सिंह, तब सूरज सिंह ही अब सूरजभान सिंह की दुश्मनी बन गई और अब ये हो गया कि नाटा सिंह से तो लड़ना ही लड़ना है, अशोक सम्राट से भी लड़ना होगा। लेकिन अशोक सम्राट से लड़ने के लिए बड़ी ताकत चाहिए थी। इतनी बड़ी ताकत क्योंकि अशोक सम्राट के पास अत्याधुनिक हथियार आ गए थे, स्टेन गन 47, 74, 0.45 का पिस्टल, ये सारे आ गए थे। तो आपको हमने यह भी बताया है कि पिछले एपिसोड में कि उधर बेगूसराय में रतन सिंह बनाम राम लखन सिंह कैसे हुआ, राम लखन सिंह का रीटा कंस्ट्रक्शन और रतन सिंह का कमला कंस्ट्रक्शन, लड़ाई रेलवे के ठेकों की। तो राम लखन सिंह को भी अब रतन सिंह के बहाने अशोक सम्राट से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत थी। तो मोकामा में जब अशोक सम्राट और सूरज सिंह में लड़ाई हुई तो सूरज सिंह ऑटोमेटिक राम लखन सिंह की ओर चले गए। अब ये लड़ाई और आगे होती गई, बदले की आग में सूरजभान सिंह और ठेको की लड़ाई में भी सूरजभान सिंह का कूदना प्रारंभ हो गया। अशोक सम्राट को यह बात चुभने लगी। अशोक सम्राट को लगा कि नहीं, मोकामा को भी कब्जा करना है, नाटा सिंह का भी दबाव था कि अब सूरज सिंह को भी खत्म करो। ये दूसरी बात है कि साल 2000 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को सूरजभान सिंह मोकामा गए दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो ये पुराना दुश्मन नाटा सिंह सूरजभान सिंह के साथ हो गया था। बाद में नाटा सिंह की भी मौत हुई पुलिस की गोली से। तो राम लखन सिंह के साथ सूरज सिंह, अब राम लखन सिंह की जब ताकत बढ़ने लगी तो अशोक सम्राट की चिंता भी बढ़ने लगी क्योंकि चैलेंज मिल रहा था। बरौनी बस स्टैंड का ठेका था, बरौनी बस स्टैंड का जब ठेका हो रहा था तभी अशोक सम्राट को ललकारने को सूरज सिंह मतलब सूरजभान सिंह और साथियों ने मतलब जो इनके साथी थे वहाँ हमला बोल दिया। वह बरौनी बस स्टैंड पहले से अशोक सम्राट के लोग चला रहे थे, तो अशोक सम्राट के प्रभुत्व को चुनौती दी गई और कोशिश की गई कि इस ठेके को अशोक सम्राट से छीन लिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन यह हमला इतना बड़ा हमला था जिसमें अशोक सम्राट के चार लोग मारे गए। अशोक सम्राट के चार लोग मारे गए, अशोक सम्राट को खबर लगी तो अशोक सम्राट किस तरीके से आग बबला हुआ होगा इस बात को भी आप समझते हैं। लेकिन जो लोग मारे गए थे चार लोग, उसमें अशोक सम्राट का कोई हार्डकोर नहीं था, कोई मिसाइल मैन नहीं था, कोई 47 वाला नहीं था, एजेंट थे, बाकी सारे लोग ऐसे थे। लेकिन अब अशोक सम्राट को भी तो बदला लेना था और सूरज सिंह ने मोकामा से आकर यह हिमाकत की थी तो सूरज सिंह को भी बताना था। इसमें सूरज सिंह के साथ बेगूसराय के ही पोखरिया का रहने वाला मनोज सिंह भी साथ रहने लगा था। मनोज सिंह अपराध की दुनिया में सूरज सिंह से भी सीनियर था, अशोक सम्राट से भी तन जाता था। तो अशोक सम्राट को यह खबर थी कि ये सभी अभी मोकामा में ही रह रहे हैं और बरौनी बस स्टैंड में जो गोलीबारी हुई थी, जो चार लोगों की हत्या हुई थी, उसके कारण गुस्सा तो साथ में आसमान पर था ही। तो सूरजभान सिंह मतलब तब के सूरज सिंह की एक आदत थी, यह जानते हुए भी कि शंकरवार टोला में ही गैंगवार है, नाटा सिंह के साथ लड़ाई है, सूरजभान सिंह की एक आदत थी कि पास में ही शंकरवार टोला के एक चिंतामन चक है और उसमें धौरानी टोला है, वो मुस्लिम बस्ती भी है, वहाँ मुस्लिम आबादी भी है,
तो सूरजभान सिंह अपनी आदत के मुताबिक, सूरजभान सिंह को लगता था कि शंकरवार टोला के भीतर घुसकर मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसे बिगाड़ना था वो मोती सिंह और नरेश सिंह को बिगाड़ चुका, लेकिन अब हम भी कम ताकतवर नहीं है, तो प्रभाव का विस्तार करने में लगा ही था। तो ये चिंतामन चक का जो धौरानी टोला था, यहां एक आदत थी सूरज सिंह की कि सुबह उठने पर वो चाय पीने उधर चले जाया करते अपने लोगों के साथ। रोज दूसरे दिन तीसरे दिन की आदत थी कि सुबह की चाय सूरज सिंह की धौरानी टोला की चाय दुकान पर। तो इस खबर को अशोक सम्राट ने नोटिस कर लिया। अशोक सम्राट के सीने में बदले की आग तो धधक ही रही थी कि सूरज सिंह, मनोज सिंह पोखरियावाला, ये सभी लोग सुबह सुबह धौरानी टोला में चाय की दुकान पर आते हैं। वहाँ सूरज सिंह से लड़ने के लिए अशोक सम्राट के साथ नाटा सिंह था ही, तो धौरानी टोला में चाय की दुकान के ठीक सामने एक लावारिस से घर का बंदोबस्त किया गया। बिल्कुल कच्चा पक्का घर, और उस घर में वारदात है 24 दिसंबर 1992 की, 1992 की। इस वक्त हमारे वीडियो एडिटर वह खबर भी आपको दिखा रहे होंगे। तो 24 दिसंबर 1992 के 3 दिन पहले से ही अशोक सम्राट और उसके 2-3 और साथी AK-47 लेकर उस घर में बंद हो गए। बस इस बात का इंतजार किया जाने लगा कि सूरज सिंह चाय पीने आए उस चाय दुकान पर। पहला दिन मौका नहीं मिला, दूसरा दिन मौका नहीं मिला। सूरज सिंह को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके से भी अटैक हो सकता है। लेकिन तीसरे दिन, पहला 2 दिन तो सूरज सिंह का वहां जाना नहीं हुआ, तीसरे दिन मतलब 24 दिसंबर 1992 को सूरज सिंह, मतलब सूरजभान सिंह, मनोज सिंह, साथ में सूरजभान सिंह के चचेरे भाई अजय सिंह और कुछ लोग उस चाय दुकान पर पहुंचे। अब देखिएगा सीन किस तरीके से बदलता है। ये लोग चाय पी ही रहे थे तभी उस घर में हलचल हुई। इन्हें कोई खबर नहीं, घर के भीतर से ही, खिड़की के भीतर से ही, दरवाजे के भीतर से ही यह देख लिया गया कि जो दुश्मन है सूरज सिंह, मनोज सिंह, वह चाय की दुकान पर आ चुका है, चाय पी रहा है। और इसके बाद घर का दरवाजा खुला। घर का दरवाजा खुलते ही अशोक सम्राट और उनके साथ जो लोग थे वो AK-47 से बर्स्ट फायरिंग करने लगे। AK-47 के साथ साथ कुछ छोटे हथियार भी थे जो अशोक सम्राट के सहयोगियों के पास थे। अब AK-47 की जब फायरिंग शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। AK-47 की गोली लगते ही पोखरिया वाला मनोज सिंह गिर गया, सूरजभान सिंह के चचेरे भाई अजय सिंह भी गिर गए, और AK-47 अशोक सम्राट मतलब इधर से उधर, उधर से इधर करते हुए घुमा रहा था। कई मैगजीन्स खाली किए गए थे, लोग कहते हैं 2 लोगों के पास 47 थे। लेकिन सूरजभान सिंह पर जब मैगजीन खुला, सूरजभान सिंह को भी गोली लगी, 2 गोली लगी, लेकिन सूरजभान सिंह के शरीर में पूरी मैगजीन खाली नहीं हो पाई। जानते हैं कैसे? जानकर चौंक जाएंगे कि सूरजभान सिंह की जान कैसे बची। जब AK-47 की गोलियां सूरजभान सिंह की ओर आ रही थी तभी बीच रास्ते में एक गौ माता आ गई, और 2 गोलियों के बाद AK-47 की बाकी सारी गोलियां गाय को लग गई, उस गौ माता को लग गई। तो सूरजभान सिंह पहली 2 गोली लगने के बाद भागने में, गिरने में सफल रहे, और इधर AK-47 के मैगजीन की बाकी जितनी गोलियां थी वो गौ माता को लग गई। परिणाम यह हुआ कि सूरजभान सिंह तो जिंदा घायल अवस्था में भागने में सफल हो गए, बाद में पुलिस ने भी हिरासत में लिया और जुडिशियल कस्टडी में इलाज हुआ। लेकिन उस 2 गोली के बाद AK-47 की बाकी जितनी गोलियां गौ माता को लग गई थी, गाय को लग गई थी, वह गाय वहीं मर गई।
आप कह सकते हैं कि उस गौ माता ने बिल्कुल आखिरी सेकंड में आकर सूरजभान सिंह की जान बचा दी अपनी बलि देकर। तो गाय की मौत हो गई और इस गोलीबारी में इस AK-47 की वर्स्ट फायरिंग में केवल मनोज सिंह और अजय सिंह ही नहीं मारे गए। मनोज सिंह भी बड़ा नाम, अजय सिंह सूरजभान सिंह के चचेरे भाई, एक और 70 साल के सरयुग मिस्त्री बिना किसी कसूर के बस वहां होने के कारण वे भी गोलियों के शिकार हो गए। एक लाछो देवी थी, उसे भी गोली लगी, चूंकि अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। तो ये इतनी बड़ी वारदात हो गई, सूरज सिंह पुलिस कस्टडी में। तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करेंगे एपिसोड नंबर 187 में। लेकिन जब कल रात 9 बजे अशोक सम्राट सीरीज का 6th पार्ट 6 आएगा और खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 188 आएगा, तो आपको हम बताएंगे। देखिए, आज की कहानी में कुछ हम आगे पीछे हुए हैं। आगे पीछे इसलिए हुए हैं क्योंकि कहानी को पूरा बताना था, लेकिन इस कहानी के तार कुछ पीछे से भी जुड़े हुए हैं और इस कहानी के तार कुछ आगे भी जुड़ेंगे। अशोक सम्राट का गुस्सा सूरजभान सिंह के प्रति सिर्फ इसलिए नहीं था कि बरौनी बस स्टैंड कांड हुआ। अशोक सम्राट के गुस्से की एक और बड़ी वजह थी जो इस घटनाक्रम के पहले की है। तो उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और यह घटनाक्रम है गोरखपुर का, वह बताएंगे आपको हम खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 188 में। तो आज दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कहीं कोई भूल हो रही है, संशोधन चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें ज्ञानेश्वर@gmail.com पर मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।